हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। अगर आपके भी ओप्पो में लगे हुए फ़ोन को अनलॉक करना चाहते हो तो मैं यहाँ पे बताऊँगा एक छोटा सा ट्रिक। उस ट्रिक से आप अपने फ़ोन को अनलॉक कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे मैं इस सीजन जून का मैं एक कोड लाया हूँ। उस कोड से आपने ओप्पो का कोई भी फ़ोन का मॉडल क्यों ना हो दोस्तों, आप अपने फ़ोन को ईजिली यानी बहुत ही आसान तरीके से फ़ोन को अनलॉक कर सकते हो विदाउट डाटा लॉस। यानी विदाउट डाटा लॉस यानी दोस्तों आपका फ़ोन में जितना डाटा रहेगा वो सेव ही रहेगा दोस्तों, पूरा डाटा क्लियर होगा नहीं। जैसे कोई भी एप्लीकेशन या वीडियो वगैरह कुछ भी होगा आपके फ़ोन में डाउनलोड हो वो डिलीट होगा ही नहीं दोस्तों। जैसे कि आप कहीं पे आसपास की रिपेयरिंग दुकानों पे या सर्विस सेंटर पे जाओगे ना दोस्तों, तो आपका पूरा क्लियर डाटा क्लियर करके देगा दोस्तों, और आपसे पैसा भी अधिक ले लेगा और समय भी बहुत अधिक लेगा दोस्तों। पर वहाँ पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों, मैं यहीं पर सब कुछ आपको बता दूंगा कि आप सर्विस सेंटर वालों के जैसे अपने फ़ोन को अनलॉक कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा दोस्तों, स्किप नहीं कीजिएगा। स्किप कर दीजिएगा तो दोस्तों ये वीडियो आपको फिर से दोबारा देखना पड़ जाएगा। दोबारा देखने से बेहतर है आप अपने फ़ोन को एक बार वीडियो देख ले, अपने फ़ोन को एक बार में अनलॉक कर ले दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, मैं यहाँ पे ज़्यादा आपसे ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करता हूँ, मैं वीडियो को फटाफट स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा आप सबसे रिक्वेस्ट है। जी हाँ दोस्तों, जो भाई मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही बेल आइकन भी दबा दें। मैं ऐसे ऐसे न्यू वीडियो आप सबके लिए लाता रहता हूँ। और कमेंट में ये मत भूलिएगा, फ़ोन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो आपके फ़ोन में तो कमेंट जरूर करिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका प्रॉब्लम का हल जरूर लाऊंगा। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा 2-3 स्टेप है दोस्तों, वहाँ पे देख लीजिएगा। पहले आपका फ़ोन में जितना मेमोरी कार्ड सिम कार्ड जो लगा होगा आपको निकाल लेना है दोस्तों। इसे निकालने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखेंगे अपना पिन पैटर्न पासवर्ड, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। यहाँ पे अनलॉक पैटर्न मांग रहा है, जिसकी मेरे फ़ोन में पैटर्न लगा होगा कोई दिक्कत नहीं है, आपके फ़ोन में पासवर्ड या पिन कुछ भी लगा होगा दोस्तों, पर इससे कोई दिक्कत नहीं होता दोस्तों। मात्र यहाँ पे इमरजेंसी कॉल पे जाना है, इमरजेंसी कॉल नीचे आपको दिख रहा होगा। इमरजेंसी कॉल पे जाएंगे तो इमरजेंसी कॉल पे जाते मैं इस सीजन जून का मैं एक कोड डालूंगा, *#*0**#0। इस कोड को डालते ही यहाँ पे मैं 6 टाइम इसको कॉल करने वाला हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6। एंड देन इस कोड को डालने के बाद इसको रिमूव कर देना, यानी इसकी कोड को हटा लेना। इस कोड को हटाने के बाद मैं एक और कोड डालूंगा जो इंजीनियर मोड का फाइल ओपन होता है, जिसकी यहाँ पे ध्यान से देखिएगा दोस्तों, *#8999# डालिएगा दोस्तों, आपका यहाँ पे इंजीनियर मोड का फाइल ओपन हो जाएगा। कुछ इस तरह सा पेज आपको यहाँ पे दिखाई देगा, यहाँ पे मेरा जिसकी यहाँ पे आ गया दोस्तों। फिर यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आपको ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना दोस्तों, अगर छेड़छाड़ करोगे आपका फ़ोन भी डेड हो सकता है, उससे मेरी गारंटी नहीं है। बट यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 4 नंबर पे मैनुअल टेस्ट आप सबको दिख रहा होगा। मैनुअल टेस्ट पे आने के बाद यहाँ पे एक बार स्क्रॉल कीजिएगा, स्क्रॉल करते ही यहाँ पे एम सेंसर आपको खोलना है। एम सेंसर हम सब हमारा नीचे है दोस्तों, यहाँ पे एम सेंसर को स्टार्ट कर देंगे। स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे 5 सेकंड थोड़ा सा वेट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। एंड देन इसको बैक कर देंगे। बैक करने के बाद यहाँ पे जी सेंसर को खोलेंगे, जी सेंसर पे क्लिक करेंगे, जी सेंसर भी यहाँ पे स्टार्ट है। यहाँ पे हमारा भी बहुत अच्छा सा अंक भाग रहा है दोस्तों, अगर ये अंक 300 डिग्री से ज़्यादा ऊपर रहेगा तो दोस्तों आपका फ़ोन अनलॉक हो जाएगा, अगर नहीं रहेगा तो कमेंट करके बताइएगा। फ़ोन के मॉडल के हिसाब से बहुत बहुत अलग अलग भी होते हैं दोस्तों, बट ऐसा तो होना नहीं चाहिए, इतना बहुत रहता है, मैक्सिमम इतना होता ही दोस्तों। फिर इसको बैक कर देंगे, फिर एक बार बैक करेंगे, फिर सबसे लास्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे। सबसे लास्ट वाले ऑप्शन पे जाते हैं, यहाँ पे आप ना देखेंगे डाटा बेस वर्जन पे क्लिक करेंगे 6 टाइम, 1, 2, 3, 4, 5, 6। एंड देन 6 बार इसको क्लिक करने के बाद की स्टेटस देखेंगे, हमारा गूगल की पास होगा तो दोस्तों अब मेरा फ़ोन अनलॉक हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा सबसे नीचे वाले 2nd नंबर पे हमारा गूगल की पास है दोस्तों, यहाँ पे पास होगा ग्रीन सिग्नल, यानी ग्रीन सिग्नल मतलब मेरा फ़ोन अनलॉक हो गया दोस्तों, पास हो गया। तो इसके बाद बैक करेंगे, यहाँ पे फिर देखेंगे रीडिंग रीसेट कंप्लीट इन डेट को चेक करेंगे। यहाँ पे मेन दिक्कत है, यहाँ पे अगर आपका सब पास होगा तो यहाँ पे सबका आपको दिखा देगा कि आपका फ़ोन अनलॉक हो गया है। फिर यहाँ पे आपको 3 टाइम इसको बैक करना है, 1, 2, 3, एंड देन मेरा फ़ोन अनलॉक हो गया। जैसे कि यहाँ पे मैं बोला था मेरा डाटा भी क्लियर नहीं होगा, मैं जो होगा जिसके यहाँ पे मैं एप्लीकेशन स्नैपचैट इंस्टाग्राम कुछ भी अगर मैं डाउनलोड कर रखा हूँ, मैं डिलीट नहीं हुआ दोस्तों, और बहुत ही इजी तरीका से मेरा फ़ोन अनलॉक हो गया दोस्तों। और आप भी खुद कर सकते हो, खुद से सीख सकते हो। बस दोस्तों ये वीडियो यहीं तक रहा, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो फिर लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करते हैं। मैं ऐसा यूनिक वीडियो आप सबके लिए लाता रहता हूँ, और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।